दूषित पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस के शैलेश अमीन ने अपना विरोध दर्ज करवाया था। मैं पिछले कई महीनों से दूषित पानी की समस्या चल रही है। दूषित पानी की समस्या के चलते महानगर पालिका की ओर से निमेटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई कामगिरी शुरू की गई है, लेकिन अभी भी तंत्र शुद्ध पानी देने में निष्फल गया है। साथ ही शहर के विभिन्न विस्तार में आई हुई पानी की टंकी में से झींगा मछली जैसे पानी जन्य पशु मरी हुई हालत में पाए गए थे, जिसे समाज के कई धर्म के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, जिसे लेकर कांग्रेस के शैलेश अमीन ने अधिकारियों पे पुलिस केस किया जाए ऐसी मांग के साथ विरोध दर्ज करवाया था। वडोदरा में छेल्ला 4 महीना थी एकदम चीकणू पानी अने गंदू पानी पीड़ू पानी एवं पीरसाय छे ने कॉर्पोरेशन ना सत्ताधीशो आ पानीना सैम्पल लईने पण एम कहे छे के आ पीवा लायक छे। ज्यारे वडोदरा में केटलाक विस्तारोनी टांकीओना नीचे आवेला संपमां मरीने सड़ी गयेला माछला झींगा अने आवुं बधुं पड़ेलू पकड़ेलू छे निकळेलू छे, टीवी मीडिया माध्यमों देखाड़ेलू पण छे। तो आवा सड़ेला मरेला माछला ने झींगावाळुं पाणी वडोदराना नगरजनोने पीरसायुं त्यारे सवाल एक ऊभो थाय छे के शुद्ध अने शाकाहारी हिंदू लोको वडोदरा शहेरमां खूब रहे छे, आ लोकोने शुं आ मरेला माछला अने सड़ेला झींगावाळुं पाणी पीवडायुं તો એમની ધાર્મિક લાગણી પણ દુભાઈ છે અને કેટલાક લોકો ખૂબ અસ્વસ્થ થઈ ગયા છે કે અમે શું આવું પાણી પી ગયા છે। તો આજે પણ વડોદરા કોર્પોરેશન શુદ્ધ પાણી આપી શકતું નથી અને કેટલાય લોકોની ધાર્મિક લાગણી દુભાયેલી છે। તો મારી માગણી એવી છે કે શું ભવિષ્યમાં તમે આ પ્લાન્ટ સાફ કર્યા પછી વેજીટેરિયનનું સિમ્બોલ જે ભારત સરકાર દરેક ખાદ્ય પ્રોડક્ટ પર લગાવવાનું કહે છે તો વેજીટેરિયન પાણી પીરસાશે આ વડોદરા શહેરને?